दोस्तों फैल चुके मोबाइल फोन के स्क्रीन पर, तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा शुरू से लेकर अंत तक इस वीडियो को देखिए। वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करेगा। दोस्तों अगर आप घर बैठे पर्सनल लोन लेना चाहते हैं या फिर मेडिकल इमरजेंसी या पड़ी तत्काल लोन की जरूरत है तो आप इस एप्लीकेशन की तरफ जा सकते हैं। दोस्तों कई बार देखा गया है कि सब्सक्राइबर द्वारा जो लोन अप्लाई करते हैं उनकी एप्लीकेशन काफ़ी टाइम रिजेक्ट होता है, यानी मल्टीपल अकाउंट के साथ देखा जाता है कि भैया कहीं अप्रूवल मिल ही नहीं रहा है, एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जा रही है। तो भैया माजरा क्या है वो तो हम वीडियो में आगे बताएंगे, लेकिन आपके लिए कौन सी बेस्ट एप्लीकेशन साबित हो सकता है जिससे आपको लोन मिलने के सबसे ज़्यादा चांसेस बढ़ जाता है, आज हम उस एप्लीकेशन के बारे में बात करने वाले हैं। वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एप्लीकेशन भी बहुत ही बढ़िया एप्लीकेशन है। अब ये शुरू से लेकर अंत तक देखते रहिए क्या डॉक्यूमेंट लगेगा और किसके लिए एप्लीकेशन ये काम करने वाली है। दोस्तों यहाँ पर 6 मिनट के अंदर में सारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है और आपको पता चलता है कि आपको अप्रूवल मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। सबसे पहले यहाँ पर आपको अकाउंट साइनअप करना होता है, बेसिक डिटेल फिलअप करना होता है, उसके बाद अप्रूवल के लिए थोड़ा सा वेट करना होगा और आपकी क्रेडिट अप्रूव हो जाती है, जिसमें कि आपको यहाँ पर 5 लाख रुपए तक का दोस्तों लोन मिलता है। यहाँ पर दोस्तों अच्छाई बात यह है कि आपको मल्टीपल लोन आपको फीचर देखने को मिलता है, कहने का मतलब है एक तरह से क्रेडिट लाइन मिलता है, आप मल्टीपल टाइम उसे विथड्रॉल कर सकते हैं अपने बैंक अकाउंट में, जिसे आप EMI में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। अच्छी बात तो दोस्तों यहाँ पर यह भी है कि 1 क्लिक में सीधे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं, EMI में कन्वर्ट कर सकते हैं, जिसमें कि 3 महीने से लेकर 12 महीने का EMI आप करा सकते हैं और हर एक कैशबैक आपको मिलेगा 1% अप टू हर एक बिल पेमेंट के ऊपर। साथ साथ यहाँ पर जो जैसे कि देख सकते हैं कि पर्सनल लोन तो आपको मिलेंगे मल्टीपल और साथ साथ यहाँ पर किसी तरह कोई हिडन चार्जेस नहीं है, रिड्यूसिंग बैलेंस के साथ ये इंटरेस्ट रेट चार्ज करती है। अब यहाँ पर दोस्तों सबसे अच्छी बात यहाँ पर ये भी लगता है कि यहाँ पर कम से कम डॉक्यूमेंट में लोन आपको मिलता है, लेकिन सबसे पहले ये जानने की जरूरत है भैया ये लोन आपको किसके द्वारा मिलेगा और कौन यहाँ पर लोन ये प्रदान कर रही है। अभी एप्लीकेशन आपको दोस्तों डिस्क्रिप्शन पार्ट में मिल जाएगी, एक बार लिंक पर जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। ये एप्लीकेशन का नाम है जेपिन स्टेन पर्सनल लोन एप्लीकेशन। रेटिंग यहाँ पर दोस्तों बात की जाए तो 4.2 के साथ एप्लीकेशन ये रेट कर रही है और राइट साइड में देख सकते हैं यहाँ पर लगभग यहाँ पर देख सकते हैं 10 लाख से ऊपर एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लिया गया है। लगभग देखा जाए तो 1.5 साल से एप्लीकेशन ये गूगल प्ले स्टोर के ऊपर अवेलेबल है और आपको यहाँ पर क्रेडिट लाइन ही प्रोवाइड कराई जाती है। यहाँ पर पहले ये समझ लीजिए भैया किसको लोन मिलेगा। अब ऐसे में इन्होंने यहाँ पर साफ साफ बता रखा है यहाँ पर कि आपको जो इंस्टेंट क्रेडिट लाइन मिलेगा या फिर पे लेटर वाली जो सर्विसेज मिलेंगे वो सैलरीड पर्सन होंगे तो ही लोन अप्लाई करिएगा, अदरवाइज लोन अप्लाई मत करिएगा। अगर आप यहाँ पर सेल्फ एम्प्लॉयड इस वीडियो को देख रहे हैं तो भैया आपके लिए बिल्कुल भी अप्लाई मत करिएगा, ये एप्लीकेशन आपकी रिजेक्ट हो जाएगी। आपके लिए दोस्तों अलग से वीडियो बनाई गई जिसमें सिर्फ और सिर्फ आधार पैन की ही जरूरत पड़ती है और आप घर बैठे बड़ा लोन ले सकते हैं जिसे आप EMI में कन्वर्ट करा सकते हैं, EMI में लोन की चुकता कर सकते हैं। यहाँ पर आपको 50,000 नहीं, आपको यहाँ पर 5 लाख रुपये तक का लोन दिया जाता है, वो भी आपको मिल रहा है जेपिन स्टेन पर्सनल लोन एप्लीकेशन के जरिए से। एक RBI गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए एक NBFC फॉर्म के जरिए से आपको लोन मिल रहा है। यहाँ पर 60 सेकंड के अंदर में अपना लोन अमाउंट को ट्रांसफर कर सकते हैं, प्रति मंथ आपको यहाँ पर 1.5% के हिसाब से इंटरेस्ट चार्ज किया जा रहा है, जिससे आप पे लेटर को आप EMI में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, मल्टीपल पर्पस के लिए आप लोन यूज कर सकते हैं, कैलकुलेट भी कर सकते हैं। यहाँ पर शुरुआती दौर में हो सकता है यहाँ पर 1,000 रुपये से लेकर 5 लाख रुपये तक का लोन मिलेगा, 3 महीनों से लेकर 12 महीने का समय मिल जाएगा और यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट जो लग रहा है साल का 18% से लेकर लगभग 39 से 40% यहाँ पर चार्ज कर रही है। प्रोसेसिंग फी की यहाँ पर दोस्तों बात किया जाए तो 2% से लेकर 6% यहाँ पर चार्ज किया जा रहा है। बाकी यहाँ पर सैंपल इन्होंने बता रखा है, सैंपल कैलकुलेशन जो कि पर्सनल लोन से रिलेटेड है वो आके एक बार भी आप खुद से चेकआउट कर सकते हैं। बेनिफिट्स की यहाँ पर दोस्तों बात किया जाए, सबसे पहले तो 100% डिजिटल प्रोसेस है, कम से कम डॉक्यूमेंट में लोन मिल रहा है। अगर आपकी उम्र 21 साल से ऊपर है तो भी आप लोन अप्लाई कर पाएंगे और साथ साथ यहाँ पर EMI कैलकुलेटर की फैसिलिटी मिल जाती है, 100% पेपरलेस डॉक्यूमेंटेशन के साथ लोन मिलता है। हर 100 ट्रांजेक्शन के ऊपर दोस्तों यहाँ पर हर एक ट्रांजेक्शन करने पे आपको 1% का कैशबैक आपको रिवॉर्ड्स पॉइंट के रूप में देखने को मिलेगा, जिसमें फास्टैग DTH बिल पेमेंट वगैरह करते हैं तो भी उस पर आपको मिल सकता है और साथ साथ यहाँ पर क्रेडिट स्कोर वगैरह आप चेक कर सकते हैं, पूरे अपने बैंक बैलेंस को ट्रैक कर सकते हैं, एक्सपेंस को ट्रैक कर सकते हैं। अब एक्टिवेट कैसे करना है इसके ऊपर दोस्तों मैंने पूरी वीडियो लाइव विद प्रूफ पेमेंट के साथ बताई है, दिखाई है, डिस्क्रिप्शन पार्ट दोस्तों जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। सबसे पहले एप्लीकेशन को अपने फोन में इंस्टॉल कर लेना है, उसके बाद बेसिक डिटेल फिलअप करनी है, उसके बाद आपको करना क्या है, क्रेडिट लाइन आपके लिए ऑफर करी जाएगी अगर लिमिट आपको अप्रूवल मिलती है। उसके बाद दोस्तों आपको KYC प्रोसेस कराना होगा, आधार OTP के बेस पे KYC कंप्लीट करानी होगी, उसके बाद सेल्फी आपको देना है, उसके बाद अपने हिसाब से लोन अमाउंट
जो भी रिक्वायरमेंट है वो चूज करिए, ये मैं प्लान सेट करिए कि हमें इतना दिनों के लिए लोन लेना है। उसके बाद आपका यहाँ पर दोस्तों होगा क्या, लोन एग्रीमेंट वगैरह साइन करनी पड़ती है, उसके बाद ऑटो सेटअप भी करना पड़ता है बैंक अकाउंट डिटेल के साथ। हालांकि यहाँ पर मेंशन नहीं किया गया है, लेकिन मैंने अप्लाई किया है तो चीज़ें मुझे पता है कि वहाँ पर ऑटो सेटअप यानी ई मैंडेट नैच प्रोसेस कंप्लीट करानी पड़ती है जिस भी बैंक अकाउंट में लोन अमाउंट लेना चाहते हैं, ताकि आपकी ईएमआई अमाउंट ऑटो डेबिट आपके बैंक अकाउंट से हो सके। अब इनके लेंडिंग पार्टनर की यहाँ पर बात किया जाए तो आप देख सकते हो दो लेंडिंग पार्टनर है, जिसमें कि रेस्पो फाइनेंशियल कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड, दूसरा यहाँ पर आरपीएन फेंट्रलिस एंड सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड। तो दो एनबीएफसी कंपनी फिलहाल सामने यहाँ पर निकल के आ रही है, इन दोनों में से किसी एक से आपको यहाँ पर लोन सेक्शन होगा, जिसमें कि लोन एग्रीमेंट भी मिलेंगे और लोन एग्रीमेंट साइन भी होगा। अब यहाँ पर दोस्तों क्या है, यहाँ पर देख सकते हैं डॉक्यूमेंट की बात किया जाए तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ आधार कार्ड पैन कार्ड होनी चाहिए। यहाँ पर मंथली मिनिमम सैलरी 15,000 रुपये होनी चाहिए। अगर आप यहाँ पर वेतन भोगी हैं यानी सैलरीड प्रोफेशनल हैं तो भैया आपको लोन यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। अधिक जानकारी के लिए आप इनके ईमेल की तरफ जा सकते हैं, सपोर्ट या हेल्प ले सकते हैं। ये मुंबई की कंपनी है, जिससे कि यहाँ पर देख सकते हैं बाकायदा यहाँ पर ऑफिशियल ईमेल आईडी के साथ साथ एड्रेस भी मेंशन किया गया है। तो भैया जो भी आरबीआई रजिस्टर्ड होती है साफ साफ चीज़ें दिखाई देता है कि वो आरबीआई रजिस्टर्ड है, चीज़ें पॉजिटिव दिखाई देती है, फेक अप्लीकेशन बिल्कुल भी नहीं होता है। जो चीज़ें इनके प्राइवेसी पॉलिसी लेंडर के डिटेल्स पर्टिकुलर यहाँ पर ऑफिशियल मेल एड्रेस के साथ मेंशन किया रहता है, तो इससे ये भी पता चलता है कि एप्लीकेशन कितना सही है, फ्रॉड है कि नहीं है। तो भैया ये एप्लीकेशन बिल्कुल बिल्कुल सही है, 100% है और पेपरलेस डॉक्यूमेंटेशन के साथ लोन आपको मिलता है। आधार पैन के बेस पे आप यहाँ पर घर बैठे लोन ले सकते हैं। अगर आप सैलरीड पर्सन है तो आप डेफिनेटली लोन अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पर सेल्फ एम्प्लॉयड इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप भी ट्राई कर सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको नहीं कहूँगा, अगर आप अप्लाई करते हैं तो सैलरीड पर्सन चूज करके ही आप आगे प्रोसेस करिएगा। ध्यान रखिए आपके सिविल स्कोर कम से कम आपके 750 या फिर 740 720 ऐसे होना चाहिए, 700 के नीचे तो होना ही नहीं चाहिए। अगर नीचे होता है तो आपको यहाँ पर लोन की अप्रूवल नहीं मिलेगी भैया, क्योंकि सिविल बेस एप्लीकेशन ये भी काम करती है, हाई फाई को भैया सिविल स्कोर चाहिए। तो जो चीज़ें थी मैंने कंप्लीटली बता दिया, बाकी इस एप्लीकेशन के अंदर कैसे लोन अप्लाई करना है इसके प्रोसेस मैंने स्टेप बाय स्टेप बताया है, डिस्क्रिप्शन पार्ट दोस्तों जरूर रिकॉर्ड कर लीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। दोस्तों जाते जाते आपको ये भी बता दें, अगर सिर्फ और सिर्फ आधार कार्ड पैन कार्ड के ऊपर लोन लेना चाहते हैं, कॉलेज स्टूडेंट हैं, आपके पास इनकम प्रूफ नहीं है, सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन है, कोई बिजनेस इनकम प्रूफ नहीं है, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है भाई, आधार पैन के बेस पे आप बड़ा लोन ले सकते हैं और वो भी लंबे समय के लिए इजी इंस्टॉलमेंट में लोन ले सकते हैं। भैया फर्जी लोन एप्लीकेशन से तो बेहतर है कि आपको एक अच्छा खासा समय मिल जाता है एक आरबीआई रजिस्टर्ड लोन एप्लीकेशन के जरिए से, तो आप यहाँ पर लोन के लिए ट्राई कर सकते हैं। बाकायदा यहाँ पर इस एप्लीकेशन के अंदर लोन लेकर भी दिखाया गया है, वो भी लाइव विद प्रूफ पेमेंट के साथ, और वीडियो आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन पार्ट में, चेकआउट कर लीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर दोस्तों।